के जश्न के साथ ही विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। एक तरफ सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साल की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी ओर बीजेपी ने गांधी सर्किल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में सरकार का विरोध किया। एक साल के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी ने फ्लॉप करा दिया। एक ओर कहा जा रहा है कि सरकार का एक साल का कार्यकाल फ्लॉप रहा, दूसरी ओर जश्न की तैयारी है, कल बहुत बड़ा जश्न मनाने जा रही है सरकार, चूंकि एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है, उसके दो उदाहरण हम पेश कर चुके हैं, पहला उपचुनाव और दूसरा निकाय चुनाव, जो बताता है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए बड़ी बहुमत के साथ सफलता दी है कांग्रेस पार्टी को, जो बताता है कि निश्चित तौर पर कामकाज पर मोहर लग चुकी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, उग्र प्रदर्शन है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको नाकामियां बताया जा रहा है, यानी कि दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तस्वीर ये बता रही है कि एक साल बेमिसाल रहा है सरकार का, दूसरी तस्वीर ये कह रही है कि देखिए आप अपने मुंह मियां मिट्ठू जरूर बन लीजिए, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है एक साल का कार्यकाल जो आपने जिस तरीके से किया है, वो उपलब्धियां जो आप गिना रहे हैं वो आपकी नाकामी है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस सरकार के लिए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। उसी रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी जो चार साल में हम लोग तमाम जो मैनिफेस्टो बनाया हमने, जन घोषणा पत्र जिसको कहते हैं हम लोग, और जिसको हमने कैबिनेट के अंदर अप्रूव करके सरकार की कार्य योजना के रूप में उसको स्वीकार किया है। सरकार कल के दिन एक बरस का जश्न मनाएगी, हमें इस बात पर घोर आपत्ति है। इन 365 दिनों में सरकार ने जश्न जैसा कुछ भी नहीं किया है। सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इस प्रदेश में पहली बार कानून व्यवस्था को चुनौती ऐसी प्रस्तुत क्यों हुई जिसमें 1,76,000 मुकदमे दर्ज हुए पहली बार।